जय हिंद। देखिए गलवान में 10 महीने से चल रहा जो गतिरोध था अब वो सॉल्व होने के कगार पे है, लेकिन ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। ये केवल पैंगसो लेक के आसपास का जो फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक का एरिया था, इसमें चीन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि 10 महीने से जिस बात के लिए भारत सरकार उसके दबाव बना रही थी, सेना दबाव बना रही थी, उसे उसने अचानक अपने हिसाब से समय देख कर उसे माना। ये 10 महीने पहले से ये विवाद चलता आ रहा था और अब तक आर्मी के कोर कमांडर लेवल की 9 वार्ताएँ हो चुकी थी, लेकिन इस बार संसद में राजनाथ सिंह ने अपना खड़ा होकर वक्तव्य दिया। इसका मतलब है इसमें 100% ऑथेंटिसिटी है। यहाँ से चाइना भी अपनी फौज को डिसएंगेजमेंट करके पीछे ला रहा है और भारत भी ले आ रहा है। जितने हिसाब से चाइना जा रहा है उतने हिसाब से भारत जा रहा है, लेकिन बात समझते हैं कि आखिर इसमें प्रॉफिट किसको होने वाला है। देखिए जो फिंगर है वो पहाड़ी एरिया है, ये हम पहले के कई वीडियो में बता चुके हैं। फिंगर छोटे छोटे वहाँ पहाड़ कहलाते हैं यहाँ पर। अब ये फिंगर 1 से शुरू होता है, यहाँ पर फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक है 8, ये फिंगर 8 है। अब यहाँ पे भारत के हिसाब से ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक भारत आता है, लेकिन भारत की यहाँ पर फिंगर 3 के पास इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस थी, खड़ी थी, ITBP का कैंप था। तो ये एरिया इंडिया का पूरी तरह से डोमिनेंट था और ये एरिया चाइना का था। यहाँ से भारत जो फिंगर 4 वाला एरिया था यहाँ से जाता था, यहाँ भारतीय सेना फिंगर 8 तक यहाँ पेट्रोलिंग यानी देखभाल करके आती थी, कोई घुसपैठ तो नहीं है, और वापस इस एरिया में आ जाती थी, फिंगर 3 तक आ जाती थी भारत, यहाँ पे यहाँ पे कैंप था। और चाइना भी इस एरिया, चाइना की आर्मी इधर रहती थी सिरजा वैली पर और खुरनाट पर, तो यहाँ से चाइनीज इधर रहते थे, चाइना भी यहाँ तक आता था फिंगर 4 तक और लौट जाता था। लेकिन अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, चाइनीज आर्मी यहाँ पर डेरा डाल दिया, मतलब वो फिंगर 8 से उठ के यहाँ आ गए और फिंगर 4 तक, और भारत को कहें कि तुम पीछे जाओ। लेकिन अभी जो गतिरोध हुआ है अभी के वक्त में ये हुआ है कि भारतीय सेना अब जो है ये मतलब जो मार्च की स्थिति थी उसे बहाल किया गया, लेकिन भारत के लिए एक दिक्कत ये है कि अब भारत को फिंगर 4 से हट के फिंगर 3 तक जाना होगा, फिंगर 3 तक जाना होगा और यहाँ से पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होगी और फिर वहाँ से यहाँ तक होगी, यानी जो बफर जोन एक्स्ट्रा बना हुआ है वो भारत की ओर आ गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हमको यहाँ पर रहना चाहिए। दूसरा कि हम लोगों ने नॉर्दर्न एरिया से जो डिसएंगेजमेंट किया है, जबकि साउदर्न एरिया में हम लोग भारी पड़ते थे, यहाँ का सारा जो ऊंचे पर्वत थे वो हमारे फेवर में थे। इसको आप 3D इमेज में भी समझ सकते हैं। इस पूरे नक्शा में देखेंगे तो दुनिया के हिसाब से ये भारत है और ये कश्मीर के पास यहाँ पर है गलवान वाला एरिया। अब इसको अगर हम जूम करते हुए गलवान साइड में बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग का जो ये पैंगसो लेक है इसके दोनों साइड में दिक्कत था, तो हम लोग साउदर्न पार्ट में भारी पड़ रहे थे, चाइना जो था वो साउदर्न पार्ट में भारी नहीं पड़ रहा था। हम लोग के पास ज़्यादातर ऊँचे पर्वत थे, अब ये सब ऊँचे पर्वत हम लोगों के पास थे और चाइना के पास उस साइड के नीचे वाला एरिया था, वो झील के उस साइड में था। भले वो यहाँ पर ये फिंगर 4 का दावा कर रहा होगा, लेकिन यहां तक का हम लोग का जो पर्वत था ये ज्यादा ऊंचा था। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आपको ज्यादा दिखेगी, यहां से हम आराम से इस एरिया पे, ये नीचे वाले एरिया पे नजर रख सकते थे। हम लोग हेलमेट पर्वत और ब्लैक ये काला जो टॉप था ब्लैक टॉप, इसके ऊपर हम लोग आराम से कब्जा जमा के बैठे थे और चाइनीज जो थे वो इस साइड में थे, हम आराम से यहां से इनके एरिया पे नजर रख सकते थे। हम लोग का जो साउदर्न पार्ट था ये ज्यादा हाइट पे था, यहां से हम लोग चीन पर आराम से नजर रख सकते थे और ये ऊंचाई की वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंस करता है। हम लोग यहां पे थे और चाइना के जो बेस कैंप वगैरह था वो यहां थे, हम लोग को यहां से बढ़त इस बात की मिल जाती कि हम लोग इस एरिया में हमारी फौज रख सकते थे और वहां से हमला होता तो इसी एरिया पे रह जाता, इधर हमला नहीं हो पाता। ये एरिया काफी गहरी घाटी है, आप इधर इस साइड में अगर देखेंगे तब तो ये घाटी बहुत ज्यादा गहरी है, जबकि यहां से अगर आप देखेंगे तो इस पर्वत से ब्लैक टॉप से आपको आराम से चाइना के बंकर्स वगैरह दिखेंगे। ये एरिया में देखिए आपको चाइना के बंकर्स दिख रहे हैं, तो चाइना को दिक्कत यह कि वो यहां आगे जरूर बढ़ गया था लेकिन बहुत नीचे था। अब आपको देखिए ये हम लोग का ब्लैक टॉप हो गया और यहां से ये चाइनीज बंकर दिख रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसको जूम कर देते हैं। देखिए चाइना का पूरा खानदान यहां दिख रहा है, तो यहां तुम बैठे रहो ना 1,00,000 फौज लेकर, वहां से आराम से मार दिया जाएगा। अब देखिए कितना सिंपली दूरी है यहां से, ये एरिया यहां पर है और हम लोग का ये वाला पर्वत है। अब इस पर्वत से वो कहां बच के जाएंगे और वहां पे उनको खाली जगह है, पूरा वैली के अंदर है, वहां पे जाएंगे कहां पे? और हम लोग के पीछे का एरिया अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ है, हम लोग यहां पर बहुत बड़े एरिया में ऊंचे वाले एरिया में डोमिनेंस कर रहे हैं, तो यहां से हमें नहीं हटना चाहिए। अगर ये पर्वत को देखेंगे तो ये पर्वत बहुत ज्यादा हाइट होने की वजह से इसका फायदा सीधा हम ही लोग को मिलता, लेकिन इस पर ये पर्वत को नहीं छोड़ना चाहिए भारत को। इस पर्वत के ऊपर पकड़ बनाने के बाद ही चाइना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि भारत अब हाइट वाले एरिया का बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा, लेकिन अब हम लोग दोनों लोग यहां से पीछे की ओर लौट रहे हैं। चाइना इसमें पूरी तरह से फंसा हुआ था, उसको बहाना चाहिए था भागने का, क्योंकि यहां से उसको मौत के सिवा इसके इधर से
से कुछ नहीं मिलता, वो यहाँ से चाह के भी हमला नहीं कर पाता इस एरिया में, यहाँ फाइटर जेट वगैरह भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, रडार सिग्नल फेल हो, इतना गहरा गहरा खाई है यहाँ से। अब यहाँ पे कितना टैंक लगा दीजिए, उसकी टैंकों की संख्या ज़्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मार सकते थे उसको। देखिए चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक तो उसने बफर जोन को हल्का पीछे की ओर घसका दिया। हम तो ये कहते हैं कि भाई जब हम लोग ऑलरेडी हाइट पर थे और हमने इतनी भीषण ठंड को पार कर गए, फरवरी का महीना आ गया, अब क्या जरूरत है समझौता करके, इसी को एलएसी बना देते हम लोग भी और कहते कि चलो भैया ना हम तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम हमारी बात मानो, हम भी इधर की ओर अपनी फौज रखेंगे, तुम यहाँ पे चढ़ गए हो फिंगर फोर तक, तुम चढ़ गए हो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ हम इस कोना बढ़ते चलेंगे, तुम उस कोना बढ़ो, नॉर्दर्न एरिया है वो नीचे है और ये वाला एरिया हाइट पर है, हम लोग यहाँ से सीधे उसके खुरनाक और सिरजाप वैली पर हमला कर सकते थे, ये चाइना का सबसे बड़ा बेस है, तो हम लोग को इधर से हटना हम लोग के लिए निगेटिव है, लेकिन आगे जाके चाइना का क्या भरोसा कि वो दोबारा नहीं आए, आपको यहाँ फिंगर थ्री तक लेके चला आया है। हमारी सेना इस बार ज़्यादा डोमिनेट थी, इवन रूस अमेरिका सब ने यह सत्यापित कर दिया कि जो जून के महीने में जो घटना हुई थी जिसमें भारत के 20 समान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वहीं चाइना के 45 सोल्जर जो भारत कह रहा था, जबकि इंटरनेशनली रूस चाइना ने भी रूस वगैरह ने भी इसे लगभग 40 की संख्या बताया। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ हमेशा भारी पड़ रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल खबर के हिसाब से चाइना जो है वो एक जेनेटिकली आर्मी को तैयार कर रहा है। जेनेटिकली आर्मी क्या होती है कि जो उसकी ट्रेडिशनल फौज है, आप देखेंगे चाइना जो है फौज पर, चाइना और रूस अलग अलग टाइप के रिसर्च कर देते हैं। हमारे यहाँ जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो वॉलेंटियर्स पर दी गई थी उससे स्पेशली सहमति लेकर, बट चाइना और रूस में क्या हुआ फौजियों पर वैक्सीन लगा दीजिए, मतलब भाई फौजी को वैक्सीनेशन के लिए वो थोड़ी है कि उन पर आप रिसर्च करने लगेंगे, और फौजी के ऊपर अगर कोई वैक्सीन लगा के उसे आप आम आदमी को देते हैं तो वो सक्सेस कैसे कर पाएगी, क्योंकि फौजी का जो हेल्थ होता है वो आम आदमी से अच्छा होता है, हो सकता है कि उसमें वैक्सीन नुकसान ना करे क्योंकि वो चीज एकदम अच्छे होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, और किसी नॉर्मल आदमी को देंगे तो वो वैक्सीन असफल हो जाएगी वहां पर। तो वो वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा है चाइना, जैसे मुर्गा उर्गा को अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वैसे ही अपनी सैनिकों को भी वो मॉडिफाई कर रहा है। चीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल है, चीन बहुत ही तेजी से जेनेटिक में आगे बढ़ रहा है। जेनेटिक जो होता है हमारे डीएनए और आरएनए के कुछ टुकड़े को लेकर अलग किया जा सकता है, ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा होता है, इसी में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इंफॉर्मेशन का इन द सेंस कि हमारी अगली संतान में कितनी आंखें रहेंगी, दो आंख, हमारी अगली संतान में कितने हाथ रहेंगे तो दो ही रहेंगे, वही अगर मान के चलिए मकड़ी हो गई तो उसमें अलग हो जाएंगे, चमगादड़ हुआ तो उसमें पंख हो जाएगा, तो अगली पीढ़ी में क्या क्या बनाना है और क्या क्या नहीं बनाना है ये सारा काम ये डीएनए ही करता है। और अगर हम इस डीएनए से कोई चीज़ निकाल देंगे ना तो हमारे में वो चीज़ कम हो जाएगा, जैसे मान के चलिए इस डीएनए में से हम एक टुकड़ा निकाल लिए, ये वो टुकड़ा है जो नाक को बनाता है, नाक, मेरा नाक, तो मान के चलिए हम ये टुकड़ा निकाल दिए ना तो मेरी अगली पीढ़ी में नाके नहीं होगा, और उसके जगह पर हम कोनो ठोड़, कौवा का ठोड़ लगा देंगे, कौवा के अंदर से जीन निकालेंगे जो उसका ठोड़ बनाता है वो लगा देंगे तो हमारी अगली संतान में इसे ठोड़ निकला रहेगा। तो चाइना ऐसे ही कर रहा है, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में ही बच्चे को जेनेटिकली चेंज कर रहा है, जिससे कि उसके अंदर से जो ब्रेन के हिस्सा में, जो डीएनए के हिस्सा में एक ऐसा चेंजिंग करना चाहता है जिससे कि उस सैनिक को दुख, दर्द, फीलिंग्स वगैरह क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, वो आदमी ही रहे लेकिन उसकी थिंकिंग रोबोट की तरह हो, उसमें थकान कम हो, ये सब चीज़ें कम हो। देखिए हम थकते हैं, हमें चोट लगता है, इमोशन होते हैं, ये सारा ब्रेन का खेल है। अब इसी में चाइना है, इस पे वर्क कर रहा है, हालांकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ है। फिर भी चीन को जेनेटिक्स में महारत हासिल हो चुका है। इस वक्त में जो कोरोना वायरस है वो रियल में इस तरह से दिखता है, हालांकि उसे जूम करके देखेंगे तो उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल इस तरह से दिखता है। इतना जल्दी कोरोना की वैक्सीन बन गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन भी, मतलब एक तरह से कहें कि उसने जून पिछले साल दिसंबर के महीने में जैसे कोरोना आया उसने कोरोना का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि उसका जेनेटिक कोड क्या है। जब कभी जेनेटिक कोड पता चल जाता है तो उसकी वैक्सीन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जेनेटिक कोड, ये बायोलॉजी में जब आपको डीएनए रहने वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, बायोलॉजी भी तो स्टार्ट ही होने वाला है, तब वहाँ पर हम आपको जेनेटिकली वाला जेनेटिक्स का सिद्धांत बताएंगे, तब वहाँ उसी आधार पर वैक्सीन बनाने को मिला। तो चाइना इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है, हालांकि इसी कोड के हिसाब से भारत ने वैक्सीन को बना लिया है और भारत की वैक्सीन हर जगह पे सक्सेस भी है। वहीं देखेंगे तो WHO जो है चीन को कोरोना फैलाने के आरोप में पूरी तरह से एक तरह से क्लीन चिट देता हुआ दिख रहा है। इसने कह रहा है, WHO का कहना है कि कोई 100% प्रूफ नहीं मिला है कि ये वुहान से के लैब से ही चालू हुआ है। तो
भाई साहब सीधे कह दो ना कि तुम मिले हुए हो, बाकी लोग को पागल समझते हो का ट्रेडोस कहीं का। अमेरिका हालांकि ट्रंप WHO से बाहर ही हो गए थे, लेकिन बाइडेन आएंगे तो WHO में शामिल हो जाएंगे। आने वाले वक्त में चीन अपनी छवि को इस तरह कर लेगा कि भैया हमारे पास भी तो कोरोना बाहर से ही आया था। अब वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता है चाइना, उसमें WHO भी इनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाया, लेकिन चाइना में बहुत जल्दी मई के महीने में ही 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था तो उस समय चाइना में कोरोना खत्म हो गया था। तो चाइना के पास कोरोना के मरीज नहीं रहे, जिस वजह से चाइना अपनी वैक्सीन को बना के टेस्ट किस पे करे। तो वैक्सीन पर चाइना जो है ये फादर ऑफ कोरोना टेस्टिंग की असुविधा हो रही थी, इसलिए चाइना ने अपनी वैक्सीन को ब्राजील में कहा कि आप लोग हमारी वैक्सीन को ट्रायल में हिस्सा लीजिए। तो ब्राजील वालों ने कहा कि भाग यहाँ से, तोरा वैक्सीन ना लगे। मोदी जी को फोन किया, अपने वैक्सीन भेजेंगे। तो चाइना वाले वैक्सीन ट्रायल कहाँ से करेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों पर ट्रायल कर रहे हैं सब, और वो भी पाकिस्तान वहाँ से गया है और 5 लाख वैक्सीन लेके आया है। अरे भाई साहब इमरान खान, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वैक्सीन नहीं है, 5 लाख उठा के लेके आ गए हैं, अभी वो ट्रायल में है, ये अपने लोगों पे वैक्सीन लगवाएंगे। अब सफल हो गया तो आप समझिए, आप सफल हो गया तो चाइना का वाह 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 होगा, असफल हुआ तो भाई साहब लोग अब क्या करना है, आधा वैक्सीन तो इनके परिवार में खप जाएगा। ये पहली पत्नी, दूसर की, ये तीसर की, नया नया है यहाँ पे तीसर की, आधा तो इन्हीं लोग में खप जाएगा। तो ये चाइना वैक्सीन अभी परीक्षण करने जा रहा है पाकिस्तान पे। भाई क्या दिन आ गया है भाई पाकिस्तान के लोग, आप लोग तभी बम बारूद की दुनिया से निकलिए, वैक्सीन भी बहुत अच्छा चीज़ होता है, इस सब पे भी रिसर्च वर्च कीजिए, आप लोग तभी वो मुर्गा लड़ा रहा है लोग। वहीं भारत ने पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करने में लगा हुआ है। नेपाल को 10 लाख वैक्सीन दिया गया है, बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन दिया गया है, जो कनाडा जो था खालिस्तान के बात कर रहा था कि हमारे यहाँ खालिस्तान का समर्थन कर रहा था, अभी यो जस्टिन ट्रूडो साहब मोदी जी से कर रहे हैं कि वैक्सीन वहाँ भेजने दीजिए, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो भारत ने भी दरिया दिली दिखाई है, इन्हें भी वैक्सीन दिया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 100 देशों को भारत है वैक्सीन को प्रोवाइड करा रहा है, और बहुत दूर तक वैक्सीन प्रोवाइड करा है। कैरेबियाई देश में हम आपको बताए थे कि यहाँ एक हिस्पेनियोला नाम का देश द्वीप है, जिसके एक और डोमिनिकन है, दूसरी ओर हैती है। तो यहाँ से एयर इंडिया के विमान में डोमिनिकन नाम के देश पर 35,000 वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। तो आप कहेंगे कि 35,000 डोज में क्या होगा, तो भाई साहब डोमिनिकन की जनसंख्या ही है 72,000, तो आधे लोगों को तो यहाँ पर वैक्सीन एक के बार में लग गया, एयर इंडिया के जहाज लेके पहुँच गए। देखिए यहाँ हमारा तिरंगा झंडा है, ये भारतीयों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक वैक्सीन जब इंडिया से डोमिनिकन पहुंचा तो वहां के प्रधानमंत्री जो थे खुद एयरपोर्ट पर आए थे, देखिए अपने हाथ से निकाल रहे थे जहाज में से वैक्सीन, जल्दी जल्दी निकाली और सबको लगाओ यहां पर। तो हम लोग की वैक्सीन पूरी दुनिया में जा रही है। अब चाइना को इसके लिए एक निगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग को पहले उम्मीद था, पहले तो चाइना से दुश्मनी है कि भाई साहब तूने पूरी दुनिया को रुला के रख दिया कोरोना वायरस को लेकर, और भारत जो है वो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का एकदम अग्रणीय बन गया है, सभी देशों को जरूरत है भारतीय कोरोना वैक्सीन का, और हमारे यहाँ दो दो वैक्सीन सफल है। हाँ थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, अब भाई लाखों वैक्सीन लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक दो का साइड इफेक्ट ना देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ा गंभीर साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। यूरोपीय देश और अमेरिका जो है ये कोरोना वायरस को लेकर चाइना पर कुछ खासा नाराज है। ये लोग चाहते हैं कि चाइना में जो 2022 में ओलंपिक गेम होने वाला है, इसमें बाकी सारे देश अपने प्लेयर्स को ना भेजे और बाइकॉट करें, जिससे कि चाइना पर एक दबाव बनाया जा सके। लेकिन चाइना ने भी समझ गया है कि यहाँ पे जो बाइडेन आ गए हैं, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ ऐसी कोई नीति अपनाने वाले नहीं है। यूरोपीय देश इसमें ये नीति को अपना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आगे है, इसके खिलाफ कह रहा है कि 2022 के ओलंपिक का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। लेकिन चाइना को पता है कि अगर उसने अपनी कोरोना फैलाने की छवि से हटना है तो भारत के साथ बॉर्डर पर अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत ने वैक्सीन सप्लाई करके दुनिया का एक इमोशन अपनी ओर खींच लिया। इसलिए अचानक देखे होंगे जैसे वैक्सीन की सप्लाई होने लगी चाइना डिसएंगेजमेंट करने लगा, पहले वो भी तैयार नहीं हो रहा था डिसएंगेजमेंट के लिए, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो वो भी अपने अपने डिसएंगेजमेंट कर रहा है। लेकिन वो खुलेआम धमकी दे दिया है कि अगर कोई भी देश चाइना के ओलंपिक का विरोध करेगा तो चाइना उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। चाइना दो तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, उस देश को पैसे देने से रोक सके। तो चाइना ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे देशों को कर्जा दे रखा है। चाइना क्या करेगा, वो पैसा बीच में रोक देगा। तो पैसा अगर बीच में रोक दिया तो घाटा ये होगा कि आपको तो उतना का ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा लिया था, मान के चलिए एयरपोर्ट बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए या कोई कंपनी खोलने के लिए, आधे
पैसे रुक जाएंगे, तो आपका तो वो प्रोजेक्ट भी डूब गया, पैसे पे ब्याज भी लग रहे हैं, तो ये एक दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारे देश लगभग 80% देश तो डर गए भैया हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अटक जाएगा। दूसरे तरह का प्रतिबंध चाइना लगा देगा कि हमारे देश से आप व्यापार नहीं कीजिए। तो भारत को तो भारत इस बार बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक का, जिसके 2-3 रीजन है। इस बार कोरोना की वजह से भारत का ओलंपिक में कुछ उतना सा पकड़ भी नहीं रह सका है, और भारत भाई ओलंपिक में हम भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन आपको भी देखते होंगे कि ओलंपिक में हमारा उस लेवल का अभी परफॉर्मेंस नहीं हो पाता, आगे चल के हम लोग भी उसमें सुधार करेंगे। तो भारत को तो इमीडिएटली इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ फंडिंग नहीं कर रहा है भैया, उसकी तो आधी कंपनी को हमने रोक रखा है, तो फंडिंग नहीं कर रहा है तो हमको इस प्रतिबंध का डर ही नहीं है। रहा बात व्यापार का, तो हमारे लिए तो भैया सबसे बड़ी आफत ये चाइना का व्यापार है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा व्यापार रोक दे वहाँ पे। कहा जाता है ना देहात में कि रोए के रानी तले अखिए खुद आ गई, मजे आ गया सोचो। हम लोग अगर इसका बहिष्कार कर देते हैं तो एक तीर से दो निशाना, चाइना आइसोलेट भी हो जाएगा पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मैटर भी बन जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ओलंपिक में बाहर क्यों रहा, एक न्यूज बनेगा, इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। दूसरा घुसी आएगा चाइना तो क्या करेगा, कहेगा हम व्यापार नहीं करेंगे, एक नंबर मत व्यापार करो। उसके बाद भारत ने भी कह देगा ठीक है मत करो, हम लोग भी अपना सेटल हो जाएंगे। जितनी कंपनी है उनको कह दिया जाएगा भाई भारत में आ जाओ, तुमको हम लोग PLI स्कीम के तहत बहुत सारा छूट देंगे। तो भारत को चाइना के प्रति इतना सॉफ्ट नीति नहीं अपनाना चाहिए। भारत तो अब एक बार एग्रेसिव हो गया ना तो एकदम लाइफ टाइम चढ़ के रहना है चाइना के ऊपर। आगे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है कि भारत को ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।